उल्लासनगर के विधायक कुमार ऐलानी के कार्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कुमार ऐलानी ने अपने मुंह बोली बहनों को साड़ियाँ और मिठाइयाँ और उपहार दिए। आइए लेते इस बारे में उन्हीं से अधिक जानकारी। देखिए, पिछले 6-7 साल से हम रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सभी बहनें, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शौक से यहाँ पे राखी बांधने को आते हैं। रक्षाबंधन के एक दिन पहले हम सवेरे से लेकर रात तक जितनी भी हमारी बहनें हैं, शहर की कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सभी लोग शौक से राखी बांधने को आते हैं। जिनके पास भाई नहीं है या जिनको पुत्र नहीं है, तो वो लोग बेचारे बहुत खुश होते हैं कि हम अपने भाई को, हमारा भाई आमदार है, उनको हम राखी बांधने को जा रहे हैं। पहले से इंतज़ार करते हैं कि रक्षाबंधन आएगा, हम आमदार कुमार ऐलानी को राखी बांधेंगे। एक भाई के रूप में हमें प्यार मिलता है, हमें बहनों के रूप में प्यार मिलता है। आज ऐसा ये त्यौहार है जो एक आदमी बंधन में आ जाता है। जितनी भी बहनें हमें राखी बांधती है, आज ये उनका कर्तव्य बनता है कि भाई का रक्षा करना, भाई का कर्तव्य बनता है बहनों का रक्षा करना। हम 5 साल उनके साथ निभाते हैं, वो हमारे साथ निभाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो इतने बड़े तैदाद में, बड़े न जाने कहाँ कहाँ से, उल्लासनगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और बाहर बाहर से भी खास राखी का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ आते हैं। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इतने प्यार से मुझे राखी बांध के यहाँ पे एक बंधन में बांधते हैं। धन्यवाद। मैं एक खुशनसीब भाई हूँ जो मुझे इतने बड़े तादाद में बहनें मिली है और वो बहनों को भी मैं भाई मिला हूँ। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है जो इतनी बड़ी तादाद में मुझे उतना उनका प्यार और हमेशा आशीर्वाद रहता है। मैं भी उनको आशीर्वाद करते रहता हूँ कि सदा वह बहनें खुश रहे, खुशहाल रहे और उन्नति करते रहे। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।